हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज किस नई वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपका जो वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है आपके फ़ोन के अंदर, वाईफाई के प्रॉब्लम को कोई भी अगर वाईफाई का प्रॉब्लम आपको शो हो रहा है, चाहे आपका क्यूआर कोड नहीं शो हो रहा है, फिर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर डिसकनेक्ट नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको इसको प्रॉब्लम जब भी कभी शो होता है आपके फ़ोन के अंदर सिंपली फिक्स कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस और आइकन्स ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, आपको सिंपली सेटिंग्स का देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करने वाला हूँ, सेटिंग्स पे क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेटिंग्स सिस्टम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है फोन रीसेट का। तो रीसेट फोन पे क्लिक करने के बाद रीसेट वाईफाई सेटिंग है, सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रीसेट वाईफाई सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आपका वाईफाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है, मोबाइल डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, या फिर आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, सिंपली फिक्स कर पाएंगे रीसेट सेटिंग पे क्लिक करके। तो आपका यहाँ पे रीसेट सेटिंग हो जाएगा सक्सेसफुल, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है वो भी फिक्स हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।